यदि आज आज यदि आयुष्मान के नाम से गरीब लोगों को जवाब दूंगा ना, जाता था नाना जी वहां से आते थे देहरादून बाल कटाने के लिए, तो सरकार किसकी थी? सरकार सीधे कांग्रेस की थी। ये गलत बात है मान्यता जी, हर जगह सरकार आज कांग्रेस जी जला हमने, सुनिए मेरी बात, आप गलत है, आप गलत है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से भी, हाथ जोड़ के निवेदन है, स्पेसिफिक हो, वो रट्टा ना हो कि जो लिख के दे दिया वही हो जाए, जो जो हमने उदाहरण दिया। माननीय अध्यक्ष जी मैं जवाब देने के खड़ा होता हूँ, फिर ये खड़े हो जाते हैं, इन्हें ये पता है कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि नाहक ये जो है जबरदस्ती सिर्फ अपने विषय को ऊपर रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय नेता प्रतिपक्ष जी नहीं जानते, आज देश के अंदर 11 करोड़ गरीब लोगों को आवास देने का काम किसी ने किया तो हमारी मोदी सरकार ने किया है। यदि आज आज यदि आयुष्मान के नाम से गरीब लोगों को जवाब दूंगा ना, जवाब दे रहा हूँ ना, बिल्कुल जवाब दे, जवाब दूंगा, जो मैं जवाब दूंगा, आरक्षित जवाब दूंगा, दबाने की कोशिश जवाब दूंगा। आरक्षण मांगे जाने के नाम सर गुस्सा दिखा रहे हैं भाई, आप कहेंगे ना जवाब तो देंगे ना। आपने कहा कि हमारी नानी जी सहारनपुर रहती थी, उनको इस प्रकार से किया जाता था, नाना जी वहां से आते थे देहरादून बाल कटाने के लिए, तो सरकार किसकी थी? सरकार सीधे कांग्रेस की थी। ये गलत बात है मान्यता जी, हर जगह सरकार आज कांग्रेस, अरे जी जला हमने, सुनिए मेरी बात, आप गलत है, जवाब देंगे आप, ये साजिश का समाज को कुचले, समाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है, हमारे अधिकार हो रहा है, आरक्षण मांग रहे तो गुस्सा हो रहा है, झूठ का पुलिंदा है जो आप कहेंगे, वो झूठ का पुलिंदा वो सारी चीजें सुनाई नहीं, आप पहले झूठ का पानी बना दिया, सुनना नहीं चाहते।